नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अम्बाला में मौसम ने करवट बदल ली है और अम्बाला में तेज बारिश देखने को मिली। बारिश में लोगों को गर्मी से राहत मिली और प्रदूषण भी कम हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। किसानों की गेहूं की फसल पककर तैयार है और मंडियों में भी पहुंच चुकी है, और ऐसे में बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। आपको बताते चले कि बारिश से लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, तो वहीं किसानों की भी चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम ने करवट बदली है, आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर बारिश, तेज ज़ोरदार बारिश हुई, जिसके बाद में कई जगह पर जल जमाव की समस्या भी पैदा हो गई, तो वहीं किसानों की भी काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ गई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है और कांग्रेस ने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी होंगे कांग्रेस प्रत्याशी, आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद। बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जहां पर आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी, आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद बनाए गए हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी होंगे कांग्रेस प्रत्याशी, आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में 72 घंटे के बाद में फसल उठान नहीं होने और बारदाने अव्यवस्था के कारण से आढ़ती काफी ज्यादा परेशान है और किसानों की फसल बिक्री में भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से भी किसान और आढ़ती जो है काफी ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। अनाथ मंडी प्रधान सुखदेव भवानी, परेशानी यह है जी, गेहूँ पहले तो सरसों की परचेज थी, ठीक है, वो बहुत धीमी चल रही है और सरसों डालने के लिए जगह नहीं रही मंडी में। कल हमने थोड़ी हड़ताल भी करी थी, फिर भी जो किसान आए हुए थे वो सरसों हमने खाली करवा दी, और अब हमारे को परेशानी है जगह की, बहुत मोटी प्रॉब्लम होगी, मंडी फुल होगी और ऊपर से बारिश का समय हो गया। आज तक गेहूं का एक दाना परचेज नहीं करया, न तो वेयर हाउस ने करया। की बात है कि आज 13 तारीख होगी, आज तक एक बोरी एक कट्टा भी गेहूं का अभी तक नहीं खरीद शुरू करी है, न कोई बारदाना आया है। इतनी अव्यवस्था है कि आदमी सोच ही नहीं सकता कैसे आम लोगों को। ये एक कहते हैं कि हम 72 घंटे में पेमेंट कर देंगे, पेमेंट का क्या तरीका है इनका, कितना गुमराह करते हैं आम किसान भाई को, आम लोगों को, कि जब उसका गोदाम में लग जाएगा उसके 72 घंटे बाद करेंगे। अरे गोदाम में आज जो लिया आया तुम उसकी 10 दिन बाद परचेज करोगे। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का करनाल दौरा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती का खास अवसर और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 4 बजे सीएम करेंगे फरीदाबाद का दौरा, तिगाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 4 बजे सीएम फरीदाबाद का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर खास अवसर पर रैली का आयोजन किया गया, जहां पर 4 बजे सीएम फरीदाबाद का दौरा करेंगे, तिगाव में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, सैनी करनाल का दौरा करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर एक खास अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। 4 बजे सीएम करेंगे फरीदाबाद का दौरा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी यमुनानगर के सढोरा में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में
पहुंचे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि बीजेपी के अंबाला से प्रत्याशी बंतो कटारिया के पक्ष में विजय संकल्प रैली आयोजित की गई है। रैली में बंतो कटारिया के साथ में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने नायब सिंह सैनी ने आपको बताते चले कि कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने नई बुलंदियों को छुआ है, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और ये सब सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हुआ है। भाई मुझे खुशी है, मैं आपको एक और बहुत इसके अंदर बताना चाहूंगा। यही लोग कांग्रेस के लोग थे, 263 करोड़ रुपया मेरे किसान का मुआवजे के रूप में पड़ा था, जो उन्होंने दिया नहीं था, उस 263 को भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाई किसान तक पहुंचाने का काम किया है और किस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, उनको बदलाने का काम करते हैं कि आपकी एमएसपी बंद हो जाएगी। भाइयों पिछले 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष एमएसपी के ऊपर धान भी और भाइयों गेहूं भी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात को भी समझना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई और देश के अंदर भाइयों उसकी जो पैदावार का क्षेत्रफल था उसके अंदर ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकल इरीगेशन के माध्यम से उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों 2 गुना ज्यादा किया है, उसकी 2 गुना ज्यादा पैदावार बढ़ी है पिछली 2014 से और उसको सभी उसकी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों लोग ये झूठ का सहारा लेते हैं, लोगों को बरगराते हैं, बरगरा करके वोट ले लेते हैं और फिर उनको उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। और आज भाइयों आज आप लोगों के सामने है, आज जब मैनिफेस्टो कांग्रेस निकालती है मैनिफेस्टो के अंदर बोलती है कि हम लोगों को न्याय देंगे। भाइयों कभी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं, अरे भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ था, भारत में तो कहीं दिक्कत नहीं थी, दिक्कत अगर कहीं थी जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले हैं उनके पूर्वजों में दिक्कत थी। आप अपने पूर्वजों का भाइयों जो उन्होंने कार्य किए हैं उस कार्य के ऊपर नजर डाल करके देख ले, परंतु भारत तो जुड़ा हुआ था, भारत में कहीं दिक्कत नहीं थी। एक और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर 15 अप्रैल को यूपी का दौरा करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। सहारनपुर से इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर में सीएम करेंगे जनसभा को संबोधित। 5 बजे सीएम शामली में भी करेंगे जनसभा को संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी लगातार दौरा कर रहे हैं, जहां पर 15 अप्रैल को यूपी का दौरा है, उत्तर प्रदेश में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, सहारनपुर में भी करेंगे और साथ ही बिजनौर में भी सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 बजे सीएम शामली भी पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर यूपी का दौरा करने वाले हैं सीएम नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में संबोधित करेंगे। देश भर के साथ में आपको बताते चले कि साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में बैसाखी का 76वां पावन पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। और इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पद की नींव रखी थी। वहीं पंजाब में भी रबी और गेहूं की फसल कटाई बैसाखी पर्व के साथ शुरू की जाती है। इस संदर्भ में आपको बताते चले कि रेवाड़ी के पावन धार्मिक स्थल लालजी महाराज की गद्दी नाशीन मनोरमा गोस्वामी और संस्था प्रधान संजय बत्रा ने बताया कि बैसाखी पर्व मनाने की शुरुआत पाकिस्तान स्थित लालजी महाराज की गद्दी से हुई थी और इसी कड़ी में पिछले 76 सालों में रेवाड़ी में भी त्यौहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जहाँ पे किसी का जो छोटा बच्चा होता है उसका मुंडन भी यही होता है, चोला भी यही डलता है और
हमारे जब पंजाब के अंदर जब फसल करते थे उस त्यौहार को वहाँ धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारे इस गद्दी में रेवाड़ी में भी लगभग 76 ईयर्स हो गए हैं और ये यहाँ मनाया जा रहा है। और एक खुशी की बात और है कि इस स्थान पे जल्दी हम एक भव्य दोबारा गुरु घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 17 तारीख से हम उसका मुहूर्त करेंगे। आज की नहीं, बहुत प्राचीन वो है गद्दी है, ये कम से कम भी 400-500 साल पुरानी गद्दी है। इसमें श्री लाल जी महाराज ने सिद्धियां की और वो हमारे जो है लाल जी महाराज, ये पाकिस्तान से ये गद्दी चल रही है और आज भी वहाँ पर मुसलमान लोग जो है वो आज भी इस गद्दी को मानते हैं और वहाँ पर भी इसी तरह से मेला लगता है। हमारे 76 सालों से यहाँ पर मेला लग रहा है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर चुनावी सियासत का दंगल लगातार जारी है। हिमाचल की मंडी सीट पर रोचक होगा मुकाबला। कांग्रेस ने पूर्व सीएम वीरभद्र के बेटे को दिया है टिकट। कांग्रेस ने विक्रमादित्य को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी से अभिनेत्री कंगना रनौत हैं प्रत्याशी। दोनों प्रत्याशियों के बीच चल रही जुबानी जंग बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर कांग्रेस ने विक्रमादित्य को टिकट दिया है। बीजेपी से अभिनेत्री कंगना रनौत मंडी से खड़ी हुई है, तो वहीं चुनावी मैदान में लगातार प्रत्याशियों की घोषणा हो रही। दोनों प्रत्याशियों की जुबानी जंग भी काफी ज्यादा तेज है। साथ ही कांग्रेस ने विक्रमादित्य को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी से अभिनेत्री कंगना रनौत प्रत्याशी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, चंडीगढ़ से चुनावी सियासत का दंगल जारी है। दोनों प्रत्याशियों के बीच चल रही है जुबानी जंग। कांग्रेस ने पूर्व सीएम वीरभद्र के बेटे को टिकट दिया है। कांग्रेस ने विक्रमादित्य को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी से अभिनेत्री कंगना रनौत है प्रत्याशी। हरियाणा के पलवल जिले में अनाज मंडी हतिन में बने सार्वजनिक शौचालय में सीवर की लाइन की सफाई करते हुए 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए हैं। गंभीर हालत में तीनों को पलवल अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही 30 साल के भोला नामक मजदूर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 50 साल के योगराज को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में ले जाया गया। तीसरा मजदूर राजेश की हालत ठीक है। पलवल पहुंचे हरियाणा सरकार में एसीएस सुधीर राजपाल ने यह भी बताया कि जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि जिला नागरिक अस्पताल में परिजनों से बातचीत करने के लिए प्रशासन की एक टीम भी भेजी गई है। इस हादसे का जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके लिए वहाँ पे इन्होंने टीम भेजी हुई है और उसकी पूरी मदद करेंगे और जो इसके लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि इस तरह से एक इलीगल ये एक्टिविटी है कि आप किसी को अब गोडाउन में कहीं पे मैनुअल में नहीं उतार सकते हैं, तो इसके बारे में पूरी कार्रवाई भी करेंगे और जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी पूरी तरह से सरकार की तरफ से मदद भी होगी। ये जेई ने इनके पास फ़ोन करा था राजेश के पास, और राजेश ने हमारे बच्चे के पास फ़ोन करा था, तो ये गए हतीन में इन्होंने काम किया। हमारे बच्चे को नॉलेज नहीं थी, इन्होंने वो गटर में उतार दिया और यहाँ जब उनके साथ कोई दुर्घटना हुई तो जेई साहब वहाँ थे बल्लभगढ़ में, उनको वहाँ ऑर्डर कर दिया कि तुम जाओ काम पे जाओ। कोई सुविधा ऐसी नहीं मिली यहाँ पे वेंटिलेटर पे ऐसे ही गिर रखा था ये। वो दोनों बंदे गुरु नानक में एडमिट कर दिए जाकर के, हमारे बंदे को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, यहाँ से कोई इलाज नहीं मिला, कोई उसको ऑक्सीजन नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने अम्बाला के नारायणगढ़ में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया है और इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में अपने गृह क्षेत्र नारायणगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर विजय संकल्प रैली के मंच से सीएम ने अम्बाला लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बंधु कटारिया के लिए वोट की अपील की है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर आक्रामक भी नजर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्ट करार दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी दो कदम आगे है। जिस पार्टी के लिए केजरीवाल ईडी और सीबीआई जांच की मांग करते थे, अब ये उसी में लिप्त हो गए हैं। देखिए, लोगों का एक बड़ा उत्साह जोश पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ये डबल इंजन सरकार की नीतियों का परिणाम है, 10 वर्षों में जो काम किए हैं
गरीब व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचा है योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा है। इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारी हरियाणा सरकार ने मिलकर के काम के ऊपर विश्वास किया है, ईमानदारी से काम किया है दोनों सरकार ने, और दोनों सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। और इन्हीं 10 वर्षों के अंदर जो देश की समस्याएं थी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका समाधान हुआ है। कांग्रेस के समय के अंदर जो समस्याएं समस्या बना करके लोगों को डरा करके वोट बटोरने का कांग्रेस के लोग काम करते थे, नरेंद्र मोदी जी ने उनका समाधान करते हुए लोगों को एक स्वच्छ स्पष्ट भारत स्वच्छ भारत बनाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे इन 10 वर्षों के अंदर हम देखें धारा 370 की बात है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बोड़ों की एक बड़ी समस्या थी उसकी बात है, चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात है, चाहे आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से जिसको लेकर के लगातार राजनीति होती थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने सुधार करना है ये समस्या। इस देश के अंदर एक संविधान एक प्रधान एक निशान रहेगा और इसको लेकर के जो लंबे समय तक देश ये मांग कर रहा था नरेंद्र मोदी जी ने उसका समाधान किया है। देश को विकास की एक नई गति देने का काम इन 10 वर्षों में एक नया इतिहास लिखने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर देश के ऊपर कोई वैश्विक संकट भी आया है उस वैश्विक संकट के अंदर भी हमारी ये डबल इंजन की सरकार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी नजर आई। बड़ी खबर दिल्ली से जहां पर हरियाणा कांग्रेस की टिकटों पर होगी कमेटी की बैठक। कांग्रेस के टिकटों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। कांग्रेस आलाकमान ने गठित की कमेटी। बड़ी खबर इस वक्त की सीटों पर फंसे पेज को लेकर होगी चर्चा। कई जिलों में पार्टी में नहीं बन पा रही सहमति। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से जहां पर आपको बताते चले कि सीटों पर फंसे पेज को लेकर चर्चा होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से जहां पर आपको बताते चले कि दिल्ली हरियाणा कांग्रेस की टिकटों पर भी कमेटी का बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस की टिकटों को लेकर अब बातचीत भी की जाएगी। कांग्रेस आलाकमान की आज बैठक होनी है। दरअसल आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से प्रत्याशी का नाम ऐलान कर दिया गया है जहां पर कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी का नाम सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस की टिकटों को लेकर अब चर्चा भी होनी है। कांग्रेस आलाकमान ने गठित की है कमेटी और कमेटी ही अब फैसला लेगी। कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। कई जिलों में पार्टी ने आपको बताते चले कि कमेटी का गठन किया और हरियाणा कांग्रेस की टिकटों पर अब कमेटी बैठेगी। पलवल में 17 अप्रैल को होने वाले सीएम की विजय संकल्प रैली को लेकर बीजेपी लोकसभा क्षेत्र संयोजक आपको बताते चले कि अजय गौड़ ने जहां पर जिला कार्यालय का पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बताते चले कि इस अवसर पर उनके साथ में पलवल विधायक दीपक मंगला, बीजेपी जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह तेवतिया और साथ ही बीजेपी नेता राजीव लांबा भी मौजूद रहे। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि 17 अप्रैल को पलवल में होने वाली सीएम नायब सिंह सैनी की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी जिसको लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज की जो ये बैठक हुई है ये बैठक आज इसलिए हुई है कि 17 अप्रैल को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी की एक रैली होने जा रही है पलवल विधानसभा क्षेत्र की। वो रैली महाराणा प्रताप चौक जो नेशनल हाईवे है किया गाड़ी का जो शोरूम है उसके पीछे वाले मैदान के अंदर वो रैली हमारी होने जा रही है और उस रैली की तैयारियों के लिए उस रैली की व्यवस्थाओं के लिए आज यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मोर्चों की प्रकोष्ठों की इन सब कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। रैली में कोई किसी व्यवस्था की कोई कमी ना रहे उसके लिए सारी व्यवस्था की दृष्टि से रैली हुई। रैली की तैयारियों के लिए ये मीटिंग आज हमारी यहाँ हुई है।
हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा के प्रत्याशी मनोहर लाल ने आज करनाल के अलग अलग गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने गुरु घर का आशीर्वाद भी लिया और संतों से मुलाकात की। इस दौरान मनोहर लाल ने गुरु घर में लंगर की सेवा के साथ साथ वहां पर तैयार होने वाले लंगर के बारे में भी जाना है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज को डिलीवर किया है और जनता हमारा समर्थन कर रही है, जिसके दम पर हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर मनोहर लाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर में न्याय करे, कांग्रेसी आपस में ही लड़ते रहते हैं, कांग्रेस की जनता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 13 अप्रैल बैसाखी पर्व पर मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन पर हमको जैसे मालूम है कि एक बहुत बड़ा जो अत्याचारी डायर ने बड़ा कांड किया था जलियांवाला बाग में, हजारों की संख्या में लोग शहीद हो गए थे, मैं इस अवसर पर उन सब शहीदों को भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जैसा अपने को पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और मेरा दौरा पूरे करनाल लोकसभा में तो चल ही रहा है, पूरे हरियाणा में भी जगह जगह जा करके और लोगों से मिलना हो रहा है। आज करनाल के अपने कार्यक्रम के दौरान बैसाखी के इस पावन पर्व पर मुझे लगा कि मुझे किसी अच्छे पवित्र स्थान से अपने कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, तो आज हमारी जो निर्मल कुटिया है बाबा निक्का सिंह जी के आशीर्वाद से जो शुरू हुई, अभी जो हम यहाँ पर वर्तमान गुरु राम सिंह जी जो संत हैं और जितना सेवा भावी इनका जीवन है मुझे पहले से भी पता, लेकिन आज तो जान करके और अति प्रसन्नता हुई कि जो अखंड एक भंडारा चल रहा है, इस भंडारे में कोई एम्प्लाइज नहीं है बल्कि सेवादार लगातार यहाँ सेवा करते हैं और सब लोगों के लिए 24 घंटे द्वार खुला रहता है, तो मैं इनकी सेवा भाव का भी इनको प्रणाम करता हूं। और साथ में जो छोटे संत हैं, छोटे बाबा जी हैं जिनको सरपंच बाबा कहते हैं, तो उनको भी आज जो मैंने उनके सेवा भाव देखे उनको भी मैं नमन करता हूं। और आज इस अवसर पर मैंने आशीर्वाद लिया है और मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने आशीर्वाद दिया भी है कि जिस प्रकार के काम इन्होंने हमारे काम को भांपा होगा, तो इन्होंने भी कहा कि नहीं, एक अच्छा जीवन राजनीतिक व्यक्ति का जैसे होता है वैसा आप चला रहे हैं। और मुझे उन्होंने अपने यानी एक प्रकार से अपने हाथ से ही जो सेवा का मौका दिया है उससे मैं गदगद हूँ और मैं अपनी ओर से कभी भी इस अवसर पर मैं संकल्प लेता हूँ कि यहाँ की जितनी सेवा काबिल। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।